अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं जमाल तारिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा जी, वर्ल्ड कप का पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच, क्या ही जबरदस्त पाकिस्तान ने इसमें फतह हासिल की है। और वर्ल्ड कप की 48 साल तारीख में पाकिस्तान ने एक तारीख बना दी है, हाईएस्ट रन चेस किया है और 345 रन का ये टारगेट था। बॉलिंग पाकिस्तान ने बिल्कुल भी अच्छी नहीं की, लेकिन इंडियन जो विकेट हैं उस पर बैटिंग की जाती है ज़्यादातर। और हम लोग देख रहे हैं 300 तो जो है वो कंटिन्यूसली बन ही रहा है, हर मैच में बन रहा है। और पाकिस्तान की बैटिंग ने परफॉर्म किया, खासतौर पे अब्दुल्ला शफीक की जितनी तारीफ की जाए कम है। वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रहा था वो अपना, और 113 रन की इनिंग्स के लिए। उसके बाद रिजवान फाइटर 131 रन नॉट आउट। नॉट आउट इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये होती है कि आप मैच फिनिश कर कर आएँ, और जब फिनिश करके आते हैं उसका मज़ा ही और होता है। और पाकिस्तान ने ज़बरदस्त खेला, और बस जितनी तारीफ की जाए कम है पाकिस्तान की बैटिंग की, लेकिन बॉलिंग के अंदर जाहिर सी बात है कुछ गलतियां हैं, वो उसको ओवरकम करना है। और नेक्स्ट हमारा मैच 14 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी, जो कि हम पाकिस्तानी चाहते थे कि पाकिस्तान अपना ये मैच जीते ताकि इंडिया पे भी एक प्रेशर जाए। और 1,32,000 का जो स्टेडियम है अहमदाबाद में, वहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन। और उससे पहले जो टाकरे और ये सारे टीवी चैनल्स पर चलते हैं, और फिर सोशल मीडिया का टाकरा भी आपस में होता है पाकिस्तानी और इंडियन फैंस का, तो वह भरपूर चलेगा। और हम लोग भी यही चाहते थे, हाइप क्रिएट होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान अल्लाह करे हफ्ते को भी फतेहयाब हो इंडिया से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।